अंदर एंटी रस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है। ऑल ऑफ दिस इज इन प्री पेंट पेंट वर्क। अभी सैटरडे इंच प्रोजेक्ट बलिनो हमारी बिल्कुल पेंट रेडी है, बट जब क्यूसी की तो फिर बहुत सारे फेलियर्स आए सामने। एक ट्रायल पे मौजूफ आए थे तो हमने शो उनसे करवाई थी, और अब आप देखो डिफरेंस, ये कितना बड़ा बड़ा गैप है इसके शो में, इधर भी ऑल अलोंग इधर भी। इसलिए इसका पढ़ना ही, अभी प्राइमर के लिए रेडी थी और मैं तो क्लाइंट को बोलने वाले थे कि आ जाओ पेंट के लिए रेडी है, पर मैंने रुकवाई। That's why we stopped. इधर डोर अलाइनमेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाले पार्ट पे भी डोर अलाइनमेंट पे डिफरेंस है, और एक मेजर मेजर सेटबैक जिसके लिए मैं अर्बन यूथ को कहता हूँ आओ निकल के, वो ये कि अभी जब मैंने डोर बूट लॉकिंग चेक की तो हमारी बूट लॉकिंग, ये लॉक खराब था, ये अभी तक डिमांड लिस्ट पे आया ही नहीं था। इसको भी मैंने अभी अभी इसकी भी प्राइस प्रोक्योर किया था कि क्लाइंट को शेयर करूँ, और फिर वील हैव, क्योंकि मज़ा नहीं आया अगर हम प्राइमर कर दें फिर ये काम हो रहा हो, फिर उसके ऊपर कोई निक्स एंड नैक्स आए, फिर उसके ऊपर टचअप हो, तो जो कोर एसेंस है ऑफ यू नो सिंगल कोट वन वन एंडेड फिनिश, वो फिर मर जाएगा अगर हम फिर दोबारा टचअप्स कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, दैट्स नो फन, मज़ा नहीं है उसमें कोई भी। ये इसका डोर बूट लॉक का लॉक भी मंगाए, फिर साथ साथ अभी इसकी जो सी एन जी लाइन मैंने देखी, ये भी अभी तक रिमूव नहीं की गई, ये भी रिमूव करवानी है क्योंकि उसका वो फ्यूल टैंक पे लॉक भी बंद होएगा, दैट्स लेफ्ट। फिर ये अभी मैंने इसका लॉक का केबल और फ्यूल कैप का कंट्रोल केबल है उसको चेक किया, तो फ्यूल कैप उसमें से ख़राब है, वो भी पहले आए, वो भी पहले डल जाए, ऑपरेशनल हो जाए, चलता रहे, समझ में आए। दिस एंड इज फाइन, दिस एंड इज ओके, कोई ऐसा खास मसला नहीं है। अब ये जो शो है ना, ये हमने क्लाइंट को बोला भी था कि इसका फ्रंट बम्पर चेंज करवा दें, लिमिटेड ऑन बजट थे वो या क्या। अब आप देखो What's happening to the vehicle, इस गाड़ी का जो हो रहा है ना, ये बम्पर बेशक उन्होंने नया डाला होगा, लेकिन ये या तो पूरी क्वालिटी या फिर ये, हाँ इसको एक बार कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था गाड़ी में, अल्लाह रहम करे, तो उसकी वजह से इस पर थोड़ी सी आग लगी हुई थी इस साइड पर, जिसकी वजह से ये मेल्टेड था। लेकिन अब आई फेल टू अंडरस्टैंड, मेरा मुझे नहीं लगता ये उस वजह से हुआ होगा, दैट कैन नॉट अफेक्ट द ओवरऑल अलाइनमेंट ऑफ द बम्पर। अब अगर आप यहाँ पे आगे खड़े होकर देखोगे तो चेक दिस आउट, ये जो अलाइनमेंट है ना बम्पर की, एक तो इट्स राउंडेड ऑफ, एक तो यहाँ से राउंड हो गया है, और इट्स वाइडेड इट्स जॉज, इसने ये नीचे से भी फ्लैटेंड है, दिस इज नथिंग ऑफ फिटमेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल में फिटमेंट का तो कोई गेम ही नहीं है, ये तो सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वर्ड। अब इसकी भी जुगाड़ क्या करनी होगी, क्योंकि हमें टू एनहेंस द आउटलुक ऑफ द व्हीकल, हमें यहाँ पे पट्टियाँ शट्टियाँ बना के लगा के इसको फिर रोकना होगा, ये बम्पर थोड़ा सा वार्म अप भी होगा, क्योंकि ये इस तरह करके आना चाहिए लाइक दैट। ऊपर से भी बम्पर सारा रिपेयर है, अब ये एक बम्पर का रिपेयर, क्योंकि प्लास्टिक पैनल है टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बहुत कोशिश की रिपेयर भी उसके बाद ये इधर है, बट टू माय पॉइंट्स इट्स नॉट राइट, उसे अभी भी करना पड़ेगा, फिर भी हमें दुरुस्त। ये जो फेलियर आ रहा है, ये तो हेडलैम्प का फेलियर आ रहा है, हेडलैम्प के साथ भी हम क्यों फंसे रहते हैं,
जैसे इधर मैं अपनी वर्क, मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम वर्कमैनशिप है, there's no, जैसे वो डोर लाइंस पे डिफरेंसेस है, ये उनका हैंड फ्लॉ है, टेल गेट उन्होंने ऑन टाइम प्रायर टू प्राइमर सही नहीं किया, ये फ्लॉ है. दिस इज लर्निंग. हम क्लाइंट की भी, मैं क्लाइंट की भी इस बात को एज लर्निंग लेता हूँ और अपनी टीम को भी कमेंट करता हूँ कि यार इन चीज़ों का लर्निंग लो और हल करो. बट दिस इज वेयर, क्योंकि अब ये हमने बल्क चेंज किया है, ये हेडलैम्प्स भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिफर्ब आए, तो अब अभी इसके ऊपर मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई भी जुगाड़ ना करना फिटमेंट में, तो ये एब्सोल्यूट बोल्ट ऑन फिनिश आ गया. क्यों? क्योंकि हेडलैम्प्स में पहले से जुगाड़ हुआ है और बम्पर बिल्कुल खत्म है. अब इस फिनिश को अचीव करने के लिए इसकी फिटमेंट में जुगाड़ करनी पड़ेगी, वरना ये आउटलुक फिनिश नहीं होगा. एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली डिड नॉट वांट टू डू, इसलिए क्योंकि हमने बल्क हेड, इसका क्लाइंट ने हमें बहुत अच्छा पीस के ऊपर ऑथराइजेशन दी थी, इट्स एज गुड एज ब्रांड न्यू. आपने पिछली वीडियोस में इसका बॉनेट भी देखा होगा, बहुत मजे के पैनल्स आए थे, मतलब आई फेल इन लव कि ये तो क्या ही बात है. लेकिन अब दिल नहीं कर रहा उन पैनल्स के ऊपर जुगाड़ू होल्स चलाए जाएं, चीजें चलाई जाएं, भी टेपिंग हुई है, वरना मैं आपको खोल के समझाता कैसे, लेकिन अब वो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हम फिनिशर्स को अचीव नहीं किया जा सकता बोल्ट ऑन पर. Why? Because of the headlamp failure and the bumper failure. In those fitments, bolt on pe ye hai position. Khair, this puts us a day behind. Hum ek din peeche ho gaye. Every day is cost. It's space cost. Labor cost in terms. Abhi kyunki paint team ki ek planned alignment thi ki wo ye karenge, lekin jab QC kiya, QC pe failure, to ab udhar badhna padega. Sir Faraz Tal hamare master tech hai. Sir Faraz Tal does a wonderful job. लेकिन जब उनको बोला था कि उस्ताद जुगाड़ नहीं, जुगाड़ कोई भी नहीं, बिल्कुल बोल्ट ऑन, उन्होंने वही किया, बिल्कुल बोल्ट ऑन किया. और ये जो कुछ एरर्स हैं, ये तो ह्यूमन एरर्स हैं, ये तो चलता है, ये तो हम क्यूसी से, इसीलिए क्यूसी करते हैं कि हम इसे पकड़ सकते हो, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, ही कैन फॉरगेट, वी कैन फॉरगेट, ओवरलुक आ सकता है, तो वो इतने पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो तो हो जाएंगे. जो टेल गेट है वो बहरहाल इनको भी इसीलिए बोला कि उसका लॉक जो है वॉज ए कोर फेलियर, वो नहीं होना चाहिए था, वो पहले कंप्लीट हुआ होना चाहिए था.